नमस्कार, सप्रियर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रियर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्त कांवड़िए जल भर के और गौरी शंकर के लिए प्रस्थान किए हैं जलाभिषेक करने के लिए। हमारे बीच में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला का संयोजक राज पटेल जी। आइए आपसे बात करते हैं। राज पटेल जी, कांवड़ियों का चक्का जा रहा है और आप रोड पर खड़े हैं, बड़े सेवा भगत कर रहे हैं, आपके द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सावन का महीना चल रहा है, हम लोग भगवान शिव के भक्त हैं। हमारे जो कांवरिया भाई जा रहे हैं, हम लोग उनकी सेवा में लगे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे कांवरिया भाइयों को ना हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमारे साथी लोग लगे हैं और हम लोग उनका सहयोग करने को तैयार हैं। प्रदेश में आपकी सरकार है और जगह जगह कांवड़ियों के ऊपर कुछ वर्षा हो रहा है जी, क्या कहना है आपका? ये तो हमारे मोदी जी योगी जी की देन है कि कांवड़िया भाई के ऊपर इतना खुश हुए कि हम लोग हिंदू हैं तो हमको भगवान के श्रद्धा में विश्वास रखना चाहिए और इसमें सभी लोग को मिलकर, ये किसी एक पार्ट एक लोग के नहीं है, भगवान सबके हैं, सारे लोग को खुश होकर फूलों की वर्षा करवाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश में जो ये फूलों की वर्षा हो रही है, ये कांवरिया भाई और भगवान शिव के लिए हो रहा है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहते हैं? सावन के महीने में समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे कांवरिया भाई जो जा रहे हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो। शिव भक्त कांवड़ियों के मनोरंजन के लिए रायपुर चौराहे पर राधा कृष्ण अनाथालय एवं गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में भंडारे का आयोजन व धार्मिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी बोलबम गाड़ियों का जत्था जा रहा है गौरी शंकर मंदिर के लिए जलाभिषेक करने के लिए और मेरे बीच में यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं राज पटेल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक हैं। पटेल जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं कांवड़ियों की सेवा में आप। ये तो हम लोग तो उसमें है कि कांवरिया भाई हमारे जो हैं उनकी सेवा करना चाहिए, इस संस्कार में है और हम लोग कांवरियों के लिए पूरा दो दिन से लगे हुए हैं कि किसी भी कांवरिया भाई की कोई दिक्कत ना होने पाए, जो दिक्कत होगा उसका समाधान हम लोग तुरंत करवा रहे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी में जैसा इस बार देखने को मिला ऐसा कभी नहीं मिला, ऐसा क्यों? कि हमारे ये तो योगी जी की देन है, योगी जी का सख्त निर्देश है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का, कि हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे कांवरिया भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जहाँ पे आप लोग हैं हर तरह पे उनकी मदद करने के लिए तैयार रहे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जिला शासन जो भारतीय जनता पार्टी के राज पटेल जी कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं और आपके नेतृत्व में भंडारा भी रायपुर चौराहे पर चल रहा है। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एसएस पांडे, रायपुर मुगरा बादशाहपुर जौनपुर। इस समय हम खड़े हैं मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र के गोविंददासपुर फ्लाई ओवर के ऊपर, जहां आप देख रहे हैं पीछे तमाम भाजपा के कार्यकर्ता कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हमारे बीच में इस समय मौजूद है पायलट ऑफिसर और अपर महानिदेशक भारत सरकार राधेश्याम पांडे जी। आइए बात करते हैं आपसे। पांडे जी, आज आप पुष्प वर्षा किए हैं कांवड़ियों के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? ये हिंदू धर्म का उत्थान है, हिंदू धर्म का सम्मान है और अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं हिंदू धर्म के प्रति हमेशा उनका नफरत दिखाई पड़ता था, जो कि हिंदू धर्म पूरा अपमानित महसूस करता था। ये योगी की सरकार है जिसमें हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज अपने को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहा है। इस सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करने की कड़ी में हम कांवड़ियों के ऊपर जो शिव भक्त हैं उनके ऊपर पुष्प बरसा करके ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनका सम्मान पूरा समाज कर रहा है, पूरा देश कर रहा है और पूरी सरकार कर रही है। इस समय हमारे बीच में खड़े हैं विधानसभा प्रभारी बदलापुर महेंद्र विजय शुक्ल जी। आइए बात करते हैं। शुक्ला जी, आप भी पुष्प वर्षा में सम्मिलित हुए हैं? जी हाँ, हम भी पुष्प वर्षा में सम्मिलित हुए हैं। यह आयोजन मुख्य रूप से अपने पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडे जी की तरफ से आयोजित किया गया है और हमारा भी सौभाग्य है कि हम भी इसमें उपस्थित हुए हैं। और यह कांवड़ियों का सम्मान करने की परंपरा हमारी बड़ी ऐतिहासिक और पुरातन परंपरा है। भगवान राम जब भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने जा रहे थे,
उस समय भी वहाँ की जनता जनार्दन जो भी थे जनता के लोग उनके समर्थक वो सब उनके ऊपर कुछ वर्षा करके उनका सम्मान किए थे और उस परंपरा को कायम रखते हुए हम सब दीपावलियों के ऊपर कुछ वर्षा कर रहे हैं। सूरधारी नंदी बालक सवरिया करा दिदेरी हाय करा दिदेरिया भोला फेरा दा नजरिया करा दिदेरिया भोला फेरा दा नजरिया करा दिदेरिया बीच में खड़े हैं चंद्रेश श्रीवास्तव जो कई वर्षों से कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो भंडारा हो, चाहे उनके सेवा में कोई भी चीज हो, वस्तु हो या फलहार हो, सब में लगे रहते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रेश श्रीवास्तव जी। यहाँ से हम लोग 24 साल से ये चला रहे हैं डाकबंद सेवा शिविर और गोलबंद सेवा शिविर। 4 बजे शुरू होता है और भोर से 5 बजे तक चलता ही है। डाकबंद जो जाते हैं उनके लिए मैं पानी, गर्म पानी, चाय, बिस्किट, दवा पूरी रात सेवा देते हैं और दिन में नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। ये हमारा 25 साल का अनुभव चला रहा है। इसके संस्थापक बस ये कार्यक्रम यहाँ चलता है। इसके संस्थापक है नंकू यादव है, हम है, स्वयं है, हम लोग 25 साल चला रहे हैं इस कार्यक्रम। जैसा कि अभी आपने देखा, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व अपर महानिदेशक पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता फ्लाईओवर पर चढ़ करके और भक्त गढ़ों के ऊपर पुष्प वर्षा करके यह साबित कर दिया कि वास्तविक में कांवड़ियों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस एस पांडे, मुगराबाद, शाहपुर, जौनपुर।